हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल जूलॉजिस्ट एके एंड आई एम आरती कौशिक अगेन हैव विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ के पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की और हमारा मेन मोटिव यहाँ पे है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का वो ये है कि हम ये अंडरस्टैंड कर, कर सकें कि के में किस लेवल का पेपर आता है तो मेरा एनालिसिस ये रहा है अब तक कि जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिए गए हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की एन सी आर टी से कुछ है जो हमारे इलेवेंथ और ट्वेल्थ के सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस है मीन्स हमारी एन सी आर टी बुक में वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं बट एवरी थिंग फ्रॉम एनसीआरटी बुक्स सो आई विल रिकमेंड यू टू इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एन सी आर टी एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स लाइक अरियंथ की बुक है एक तो आप कोई भी बुक प्रीफर करो बस प्रैक्टिस करो और आप एम तो हो ही या तो किसी भी सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी से हैं तो आप इजली इस इसको कर लोगे तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पे और अगर आपको मेरा पार्ट फर्स्ट देखना है इस वीडियो का तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ प्लीज़ डू वॉच डैट वीडियो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं अब हम स्टार्ट करते हैं सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन से इसमें बोला गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो यहाँ पे फोटो सिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे बोला गया है पी सिस्टम जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है तो इस करेक्ट uh, आंसर पे जाने से पहले हम हाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम के सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो लाइक करता है आउटर सरफेस पे थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के और फोटो सिस्टम होता है वो इनर सरफेस पे लाइक करता है जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होता है वाटर का बट फोटो सिस्टम सेकेंड में फोटोलाइसिस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती है ये रिए इसका रिएक्शन सेंटर होता है पी सेवन हंड्रेड और इसका रिएक्शन सेंटर होता है पी सिक्स एटी ये पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फो रिलेशन में कौन फोटो सिस्टम फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो केवल इक्लिक फोटो फोर्सफोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक पाथवे वो होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट बनता है और बाद में सेम वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और फिर वही पाथवे अगेन स्टार्ट हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है फोटो सिस्टम सेकेंड से और ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन किसका वाटर का जो ये फोटोलाइसिस हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उससे ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव करता है ये फोटोलाइसिस से रिलेटेड नहीं है और ये फोटोलाइसिस से रिलेटेड है तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो फोटो आयनाइजेशन है वो टेक प्लेस होती है किसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट में तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि photo, क्योंकि फोटो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों में होती है क्योंकि आयन निकलते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी तो ये सिस्टम आगे प्रोसीड कर पाते हैं फोटो सेंसिस हो पाती है सेकेंड है साइक्लिक फोटो फोर्स जो साइक्लिक फोटो फोर्स है इन्वॉल्व करती है पीएस सिस्टम फर्स्ट और पीएस सिस्टम सेकेंड को पर यहाँ पे क्या होता है जो जो पी एस सिस्टम सेकेंड होता है वो किस में आता है हमारा नॉन साइक्लिक में आता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट होगी फिर है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यूरिंग पी एस फर्स्ट जो फोटोलाइसिस है वो पी एस फर्स्ट में नहीं होता वो पी एस सेकेंड में होता है तो ये भी हमारी क्या होगी इनकरेक्ट होगी फिर है पी एस सेकेंड जो है वो प्रोसीड करता है पी एस फर्स्ट को तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द सेट वेयर ऑल द थ्री आर प्लांट्स डेट प्रोड्यूस द फ्रूट टाइप सोरोसिस सोरोसिस फ्रूट टाइप कौन से प्रोड्यूस करते हैं सोरोसिस क्या होता है फ्लैशी मल्टीपल फ्रूट मतलब कि जहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं उनकी सेप्पल्स के थ्रू एंड पेरियंट्स के थ्रू या फिर होल जो इन फ्लोरिसेंस होती है जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उनमें वो फ्लोरिसेंस फ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से एक कॉम्पैक्ट मास लाइक फ्रूट फॉर्म होता है जैसे हम बोलते हैं Uh, कि हमारा क्या फॉर्म हो गया कि जैक फ्रूट है जैसे हमारा जैक फ्रूट होता है वो शो करता है मलबेरी वाले जो फ्रूट होते हैं वो शो करते हैं पाइनएप्पल यहाँ पे हमारा सोरोसिस को शो करता है तो ये जो फ्रूट है ये सोरोसिस शो करते हैं तो यहाँ पे हम देखने समझते हैं कि कितने टाइप के फ्रूट होते हैं ताकि हम ये आगे अगर क्वेश्चन आए तो हम उससे डील कर पाएँ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया सिंपल फ्रूट और एग्रीगेटेड एंड कंपोजिट फ्रूट ठीक है सॉरी थ्री टाइप में डिवाइड किया गया तो सिंपल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स आते हैं सुकुलेंट और फ्लेसी फ्रूट आते हैं ड्राई फ्रूट भी आगे यहाँ पे क्या हो गया हमारा डेहीसेंट और इनडेसेंट और स्काइजो कार्पिक इन तीनों में आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं जिसमें पोड फोलिकल सिलिकवा सिलिकूला कैप्सूल ये सब हमारे डिवीजन हो जाते हैं और सुकुलेंट और फ्लैसी जो होते हैं उसमें ड्रुप आते हैं बेरी पेपो पोम पोमीग्रेनेट और ये सब हमारे आते हैं अगर मैं एग्रीगेट फ्रूट की बात करूँ तो इसमें हमारा आगे फर्दर डिविजन है और अगर मैं कंपोजिट फ्रूट की बात करूँ तो उसमें सोरोसिस और साइकोनस होता है अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन की हेल्प से ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस टाइप का फ्रूट प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे जो भी ये दिए गए हैं ऑप्शन में ये जीनस दिए गए हैं तो जो आर्टोकार्पस होते हैं वो होते हैं हमारे जैक फ्रूट वो सोरोसिस टाइप के देते हैं क्योंकि उसमें जो डिफरेंट पेटल्स जो सॉरी फ्लावर वाला पार्ट्स होता है या फ्लोरिसेंस होता है वो फ्यूज हो जाता है और मोरस जो होते हैं वो मलबेरी प्लांट होते हैं वो भी सोरस देते हैं अनानास तो हमारा ऑलरेडी हमारा क्या होता है सोरस होता है सोरोसिस टाइप के फ्रूट्स देते हैं फिर सेकंड अगर हम तो हमारा करेक्ट आंसर तो होगा फर्स्ट बट हम अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं जो फाइकस होता है फाइकस फाइकस हमारा क्या देता है साइन कोनस वाला टाइप अभी मैंने डिस्कस किया था साइनोकस टाइप ये देता है जो फ्लैसी रिसेप्टिकल uh, और थालमस से फॉर्म होता है ठीक है फिर उसके बाद है हमारा फ्रेगारिया फ्रेगरिया एक स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है स्ट्रॉबेरी जो होती है उसको बोला जाता है ये क्या फॉर्म करता है इटाई एटाइरियो इट आईरियो फॉर्म करता है ये और ये फ्लैसी थालमस से फॉर्म होता है ठीक है ये एग्रीगेट फ्रूट फॉर्म करता है एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है ये और अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूँ तो फिर मोरस आ गया हमारा फिर एन, जो एनोना है एनोना यहाँ पे वो होता है हमारा कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल ये हमारा क्या फॉर्म करती है इटाई इटाई रियो ऑफ बेरीज ऑफ बेरीज ये भी हमारा एग्रीगेट टाइप का फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प की इनर लेयर और थालमस आ, फ्रूट को फॉर्म करती है एनोना हमारा बेसिकली सीताफल अगर आपने देखा तो वैसे टाइप का फ्रूट फॉर्म करता है पेसीडियम जो होता है वो गवावा होता है हमारा बेरी टाइप का फ्रूट है पेरिकार्प से प्लेसेंटा प्ले से और थालमस से फॉर्म होता है फिर ये ये भी हमारा क्या है सोरोसिस टाइप है एनाना फिर यहाँ पर मिक्स हो गया एनाना क्या है ये आ, एनोना सॉरी एनोना जो है कस्टर्ड एप्पल है मीन्स कि ये हमारा क्या है एग्रीगेटेड फूड है फाइकस हमारा क्या होता है ये हमारा फ्लैसी फ्रूट होता है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखें फॉर द परपज ऑफ क्रोमोजोम एनालिसिस डिफरेंट क्रोमोजोम बैंडिंग टेक्निक्स आर यूज विस टाइप ऑफ क्रोमोजोम रीजन इज आइडेंटिफाई सी बैंडिंग टेक्निक तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व uh, करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेंडिंग टेक्निक कौन सी बेंडिंग टेक्निक किसके लिए की जाती है प्लस यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है हिट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन हमें पता होना चाहिए हिट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है तो हम वो अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है hmm. तो हमारा हिट्रोक्रोमेटिन क्या होता है टाइटली पैक्ड फॉर्म होती है डीएनए की और यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड फॉर्म होती है डीएनए की हाई डेंसिटी होती है हमारी हिट्रोक्रोमेटिन की और यूक्रोमेटिन की लो डेंसिटी होती है इसकी हाई डेंसिटी है टाइटली पैक्ड है तो हिट्रोक्रोमेटिन हमारा डायरेक्टली स्ट्रेन होता है और यूक्रोमेटिन हमारा लाइटली स्ट्रेन होता है ये हमारे न्यूक्लियस की पेरीफ्री पर मिलते हैं और न्यूक्रोटिक सेल्स में डिवीजन के टाइम पर अगर हमें देखना है स्ट्रेन करते हैं उस टाइम पर तो हिड्रोक्रोमेटीन हमें पेरीफ्री पर दिखता है और ये हमें इनर बॉडी में मिलते हैं न्यूक्लियस के ठीक है

हाईली कोल्ड है और कॉम्पैक्ट है और ये अर्ली और इजिली रेप्लीकेट करेंगे ये स्टिकी होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं जेनेटिकली इनएक्टिव होंगे जेनेटिकली इनएक्टिव क्यों होंगे क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा तो जेनेटिकली इनएक्टिव तो ऑलरेडी होगे और ये एक्टिव होंगे फिनोटाइप्स रिमेन इन अनचेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्यों अनचेंज रहेगा क्योंकि इनका ट्रांसक्रिप्शन होता ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा हो तो ट्रांसलेशन uh, नहीं होगा ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कोई भी uh, जो जीन प्रेजेंट है में टिन रीजन में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा अपना एक्सप्रेशन नहीं शो पाए कर पाएगा तो फिनोटाइप कैसे जनरेट करेगा तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है यू क्रोमेटिन वाले रीजन में क्योंकि ये एक्सप्रेस

कोई इसको जिमसा बोलता है कोई वाइमसा बोलता है तो इससे हम स्टेन करते हैं जी स्टेन जी से हम जो हमारा जिमसा स्टेन है उससे हम इसको स्टेन करते हैं तो हमें पता है कि जो डार्क बैंड है वो एटी रिच होंगे एटी रिच होंगे क्योंकि लो डें लो जीन डेंसिटी होगी और जो पे, पेल बैंड होंगे वो जी सी रिच होंगे हाई जेल हाई जीन डेंसिटी होगी ऐसा क्यों होता है देखो जो हमारे जी होते हैं उसमें ट्रिपल बोंड होता है ठीक है ग्वानिन और साइटोसिन में जो एटी होता है एडिनिन और थाइमिन में उसमें दो डबल बोंड होता है तो जो हमारा आ, ये इनकी डेंसिटी जो है यहाँ पे हीट ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है हाई डेंस हो जाता है ये और ये डेंस होता है इसी वजह से वो टूटता नहीं है इसी वजह से वो कम स्ट्रेन हो पाता है और ये डार्क स्ट्रेन हो जाता है तो जी बेंडिंग किसको स्ट्रेन करती है एटी रिच रीजन को स्ट्रेन करती है ठीक है अब आर बेंडिंग की बात करें तो आर बेंडिंग क्या होती है जी बेंडिंग की रिवर्स होती है ठीक है रिवर्स कैसे होती है कि ये डार्क बैंड देगी जीसी रिच के ठीक है और पेल बैंड देगी ए रिच के तो हमारी जी बैंडिंग की रिवर्स होगी और यहाँ पे क्या होता है हीट करते हैं हम एल्क्लाम जो भी मीडियम है उसमें इसको हीट करते हैं ताकि डी हो जाए हमारा डी और फिर उसको गिमसा स्टेन से हम स्टेन कर देते हैं क्यू बैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्विना क्राइन मस्टर्ड स्टेन का यूज किया जाता है फ्लोरिस स्टेन होता है ठीक है ये डार्क बैंड देता है ये जी बैंडिंग की तरह ही होता है क्योंकि इसमें डार्क बैंड आते हैं ए टी रिच रीजन के और पेल बैंड आते हैं जी सी रिच रीजन के पेल मतलब कि लाइट बैंड आते हैं सी बैंडिंग की बात करें तो ये डी नेचर करता है हमारे डी एन ए स्टैंड को बैरियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से और फिर उसको स्टैंड करता है गिमस स्टैंड से और ये कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन कॉन्स्टिट्यूटिव का रीजन होता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेट में हो जिसको हम मतलब वो अपनी एक स्टेट को मेंटेन करके चल रहा है अगर एक्सप्रेशन की स्टेट है तो उसको मेंटेन करके चल रहा है तो हीट्रोक्रोमेटीन को ये क्या करते हैं स्टेन करते हैं तो डार्क वैन कंटेन कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटीन तो यहाँ पे अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सी बेंडिंग टेक्निक किसके लिए यूज होगी कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटीन के लिए यूज होगी ठीक है अब हम बात करें अगर आ, पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें दिया गया है ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक प्रोसेस की जाती है जिसको हम बोलते हैं इमल्स क्या बोलते हैं जिसको इमेस्क्यूलेशन 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 यहाँ पे हमारी जो ये पिक्चर है ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे इमेस्क्यूलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्लावर ऑफ तो जो इमेस्क्युलेशन की जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे वो किस फ्लावर में यूज़ नहीं की जाती तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेस्कुलेशन होती क्या है एक्चुअल में hmm. ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं मतलब अगर हमें वैरायटी जनरेट करनी होती है तब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे जो एंथर होता है बाई फ्लावर्स में बाई फ्लावर्स कौन से होंगे जिसमें एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में मेल वाला पार्ट भी हो और फीमेल वाला पार्ट भी हो मतलब एंथर भी हो उसमें और उसमें क्या हो ओवेरी वाला रीजन भी हो एंथर स्टीमा पोलन वाला रीजन भी हो और उसमें फ़ीमेल ओवेरी वाला रीजन भी ताकि उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रीन्स है उसकी ओवेरी को क्या कर सके यहाँ पे पोलिनेट कर सके पर जब जो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है उस टाइम पे उस प्लांट का जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाता है सेक्सुअली मेच्योर होने से पहले ही या फिर सेक्सुअली मेच्योर होते ही उसको रिमूव कर दिया जाता है क्यों किया जाता है ताकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अपने ही पौधे के ग्रीन से ना पोलिनेट हो ताकि वेराइटी जनरेट हो सके ठीक है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इमास्क्यूलेशन और ये किसने बाई प्लांट में ही परफॉर्म की जाती है तो यहाँ पे आंसर देने का एक ही तरीका है कि हमें ये पता हो कि भाई जो इमेस्क्यूलेशन है वो बाई प्लांट में होती है ना कि यूनिसेक्सुअल में क्योंकि हमें यूनिसेक्सुअल में करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा प्लांट कहीं और है फिर वो एयर से वाटर से बर्ड से या बीज से इनसे आएगा हमारा पोलन ग्रेन और हमारे स्टिग्मा पर बैठेगा और हमारे जो प्लांट है वो पोलिनेट हो जाएगा ठीक है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पर यहाँ पे बाई सेक्शुअल में जरूरत होती है तो हमें पता होना चाहिए बाई सेक्शुअल कौन सा से? अगर मैं बाई सेक्शुअल की बात करूँ तो बाई सेक्शुअल वे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल का पार्ट एक ही फ्लावर में और एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है तो बाई सेक्शुअल में आते हैं हमारे कैस्टर कोकोनट आता है कोकोनट आता है हमारा मेज आता है और हमारी पल्सिस आती हैं और हमारा सनफ्लावर आता है और हमारी रोजेज आते हैं और हमारे मस्टर्ड प्लांट आता है रोज आता है जैस्मिन आता है टमाटो आता है बीम आता है मैंगो चिलीज ये सब आते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की बात करूँ तो यहाँ पे कौन और पपाया होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा पपाया होगा क्योंकि पपाया के फ्लावर में हमें इमास्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बाकी वीट पोटैटो और ब्रिंजल क्या आई हमारे बाइसेक्शुअल है ठीक है और इनमें हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अगर आपने एन सी आर टी बुक पढ़ी है जिसमें आपने फ्लावर रिप्रोडक्शन सॉरी प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो जैसे पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रिच ओवेरी तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि पोलन ट्यूब जब आती है तो वो थोड़ी रिच करती है लंबी जाती है

गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इंटू द एम्ब्रियोसेक ये भी ठीक है हमारे सिनरज प्रेजेंट होते हैं वो गाइड करते हैं अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट देखूँ तो पोलन ट्यूब डिस्चार्ज द मेल गमेंट इंटू द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक देखो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो डिस्चार्ज करती है मेल गमेंट को सबसे पहले तो वो माइक्रोपाइल एंड पे प्रजेंट जो होती है सेल्स वहाँ से जाएगी और डिफ्यूज हो जाएगी और फिर वो एग सेल को सबसे पहले क्या करती है फ्यूज करती है और फर्टिलाइजेशन करती है फिर उसके बाद वो जाके सेंट्रल सेल को फ्यूज करके एंडोस्पम की फॉर्मेशन कर दिया तो हमेशा ऐसा नहीं होता इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक केमिकल म्यूटाजन अल्टर म्यूटाजन है तो mutagen, uh, क्या करेगा म्यूटेशन करेगा वो अल्टर कर देता है पेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडेनिन मतलब एडेनिन की पेयरिंग प्रॉपर्टी uh, को इस तरह से करता है हमें पता है एडेनिन थायमिन से जाके बोन्ड बनाता है है ना बट वो म्यूटेशन किस वजह से म्यूटाजन की वजह से एडिन किसके साथ बोर्ड बना लेता है यहाँ पे साइटोसिन के साथ ठीक है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन डेट वुड बी दट वुड बी द कोड सिक्वेंस क्या कोड सिक्वेंस होगा किसमें एम आर एन ए में बाय ए डी एन ए सिक्वेंस एक डी एन ए सिक्वेंस के थ्रू जब क्या दी जाएगी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएंगी तो क्या सीक्वेंस होगा एम आर एन ए का विद अल्टर्ड बेस फॉर द ओरिजिनल डी एन ए हैविन सिक्वेंस इसने बोला है जब बेस पेयरिंग अल्टर हो चुकी है बेस पेयरिंग अल्टर हो चुकी है तो उस बेस पेयरिंग की अल्टरनेशन की वजह से जो यहाँ पे सिक्वेंस प्रोड्यूस हुआ है डी एन ए का डी एन ए का यहाँ पर जो सिक्वेंस प्रोड्यूस हुआ है उससे क्या एम आर एन ए प्रोड्यूस होगा ठीक है तो हमें पता है कि यहां पे क्या होगा यहां पे हमें दिया है C A G G A C ठीक है तो C की साथ कौन बोंड करेगा G बोंड करेगा A के साथ यहां पे कौन बॉन्ड करेगा A के साथ कौन बोंड करेगा यहां पे C बोंड करेगा क्योंकि यहां ये यह क्या है अल्टर्ड सिक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट हो रही है है, फिर जी के साथ कौन करेगा सी करेगा फिर यहां पे जी के साथ कौन करेगा सी करेगा ए के साथ यहां पे कौन करेगा ए के साथ यहां पे कौन करेगा यहां तो क्या होगा यहां पे हमारा आ जाएगा जी सी 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 जी मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फिर नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं सच एज ग्लूटामिक एसिड इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज किए जाते हैं ग्लूटामिक एसिड ठीक है आइडेंटिफाई द जीनस ऑफ माइक्रोब उन माइक्रोब्स uh, का जीनस हमें आइडेंटिफाई करना है जो यूज किए जाते हैं ग्लूटामिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए तो ये होते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कोर्नी बैक्टेरियम जो ग्लूटामिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूँ यहाँ पे और बाकी के ऑप्शन देखूँ तो अगर एंट्रोबैक्टर की मैं बात करूँ तो ये पैथोजन की तरह एक्ट करता है जो इन्फेक्शन करता है और बहुत सारी डिजीज की वजह बनता है अगर मैं यहाँ पर आर्थ्रोबैक्टर की बात करूँ तो अदर बैक्टीरियल जेनरा के थ्रू जैसे हमारा ब्रेवी बैक्टीरियम होता है जीनस हैं ये बैक्टीरिया के माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम और हमारा कोर्नी बैक्टेरियम जो होता है ये सभी हमारा क्या करते हैं ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं तब बेसिकली पर हम यहाँ पे कोर्नी बैक्टेरियम को यूज़ करते हैं तो ये भी यूज़ किया जाता है हमारे ग्लूटामिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए पर यहाँ पे कोर्नी बैक्टेरियम होगा थर्मो एन एरोबिक वैक्टर जो है तो ये एन एरोबिक होता है एन एरोबिक कंडीशन में रह सकता है आई थिंक ये सीवियस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है बट आई एम नॉट श्योर इन दिस केस केस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्जन और रीजन दिया गया है तो असर्जन में दिया गया है टेम्परेट रीजन अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेट रीजन है उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन की कंपैरिजन में हुँ. तो जो हमारा आ, ट्रोपिक रीजन होता है उसमें क्या होता है ट्रोपिक रीजन आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूटनल रेज ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ टू ट्वेंटी डिग्री साउथ में ठीक है ये क्यों हार्बर करते हैं इसका रीजन यहाँ पे दिया कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें आ, कम बायोडाइवर्सिटी होती है और टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होती है इस असर्जन के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल कम सीजनल होते हैं और रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट होते हैं इसने ऐसा बोला कि वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट होते हैं ठीक है तो समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे पहले तो हम एसर्जन को ही देखते हैं जो इंडिया है ना इंडिया हमारी कंट्री वो किस में लाई करती है वो लाई करती है मैक्सिमम जो उसका एरिया वो लो सॉरी uh, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड में लाई करता है ना और हमारा जो uh, मतलब इंडियन रीजन है जो हमारा उसमें अप्रोक्स ट्वेल्व हंड्रेड स्पीसीज होती है बर्ड्स की ठीक है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें कम डायवर्सिटी होती है ठीक तो क्या बोला गया है कि अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एमाजोन रेन फॉरेस्ट की एमाजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें साउथ अमेरिका में तो उसकी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में ये होम है फोर्टी थाउजेंड स्पीसीज किसकी प्लांट्स की और थ्री थाउजेंड स्पीसीज किसकी फिशेस की और थर्टीन हंड्रेड स्पीसीज किसकी बर्ड्स की और फोर ट्वेंटी सेवन स्पीसीज की की और फोर ट्वेंटी सेवन स्पीसीज की और थ्री सेवेंटी एट रेप्टाइल्स की और मोर देन वन थाउजेंड वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ब्रेड्स की स्पीसीज अकेली किस में मिलती हैं amazon रेन फॉरेस्ट में मिलती है जो कि साउथ अमेरिका में है, और ये कहाँ पर लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है तो ये तो कल्लत हो गया कि असरजन तो गलत ही है कि टेम्परेट रीजन अकाउंट करते हैं ज़्यादा ग्रेटर बायोडाव डावेस्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल रीजनस में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और इसका रीजन एकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने ये दिया है कि जो स्पेशन है वो टाइम का एक फंक्शन होता है और अनलाइक टेम्परेट रीजन जो टेम्परेट रीजन होता है टेम्परेट रीजन वो क्या होता है उसमें जल फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन आती हैं पास्ट में और ट्रॉपिकल लेटीट्यूड जो है वो अनडिस्टर्ब रहे हैं ट्रॉपिकल जो लेटीट्यूड है वो अनडिस्टर्ब रहे हैं मिलियंस ऑफ से थस उसमें क्या है Species को ज्यादा टाइम मिला है कि वो इवोल्यूशनरी इवोल्व कर सकें किस एरिया में ट्रॉपिकल एरिया में ठीक है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट क्या होते हैं लेस सीजनल होते हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होते हैं ठीक है टेम्परेट रीजन की तरह नहीं होते अनलाइक टेम्परेट रीजन आर लेस सीजनल लेस सीजनल होते हैं रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट होते हैं एंड प्रिडक्टेबल होते हैं हम उनको प्रिडक्ट कर सकते हैं जैसे इंडिया के इन्वायरमेंट को हम प्रिडक्ट कर सकते हैं कि भी बारिश कब होगी या ऐसा मौसम होगा ऐसा नहीं होगा तो प्रिडक्टेबल है ऐसा कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट करता है निच स्पेशलाइजेशन या बोले तो निक स्पेशलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने अदर वर्क करता है उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है और ग्रेटर स्पेसिस डाइवर्सिटी होती है देयर इज मोर सोलर एनर्जी किसमें ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू तो टेम्परेट रीजन इसीलिए ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी को जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हो पाती है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो रीजन है वो सही है बट जो असर्जन है वो गलत है क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्या होती है कम डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक रीजन तो यहाँ पे क्या होगा असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू फिर है नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम That are seen to function as unit of its sustainability आर अगर आप ट्वेल्थ की एन सी आर टी को उठा के देखेंगे और उसका इको सिस्टम वाला चैप्टर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट ये लाइन्स मिलेंगी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रीफर एनसीआरटी बुक्स फॉर दिस एग्जाम एंड दे आर मस्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या है वैसे भी हम समझ सकते हैं कि, कि किसी भी इकोसिस्टम में कुछ क्या कंपोनेंट जो सस्टेनेबिलिटी का, का काम करें सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए इस तरह से हम सस्टेनेबली उनको यूज़ करें जैसे वाटर ज़्यादा वेस्ट ना करें इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट ना करें ऐसे ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनका लाभ उठा पाए ठीक है उनको इंजॉय कर पाए तो इसमें क्या होगा इसमें कौन कौन से एक्सेप्ट एस्पेक्ट uh, आएंगे जो कम uh, हेल्प करेंगे इस इको की सस्टेनेबिलिटी में पहला होता है प्रोडक्टिविटी पहला होता है इसमें प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी सही हो डी सही हो रही है ठीक है एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो रहा है एनर्जी लॉस नहीं हो रहा ठीक है एनर्जी फ्लो आता है इसमें और न्यूट्रिएंट साइकिल आती है अगर इनमें बैलेंस होता है तो क्या होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें हमारा डिकम्पोजिशन भी है एनर्जी फ्लो है प्रोडक्टिविटी है न्यूट्रिएंट साइकिल है तो थर्ड इज आवर आर करेक्ट आंसर